नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट में आपका स्वागत है। मैं कुमारी रानी। नमस्कार मैम। धन्यवाद सबको, रुकते रहिए। आपका नाम? मेरा नाम कमली सिंह है जी। कितने साल हो गए डेरा सच्चा सौदा से जुड़े? साल से ऊपर ही हो गए जी। क्या आपके पूरे परिवार डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हुई है? जी, पूरा परिवार है मेरा जी। नाम ले रखा है जी। क्या कुछ मिलता है आपको यहाँ पे आने के बाद? बहुत कुछ मिलता है जी। बहुत खुशी मिलती है, बहुत अपने प्यार भी मिलता है, अपने पापा से भी ज़्यादा प्यार मिलता है। जी, पापा हैं हमारे जी। यहाँ पे आप अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत ही ज़्यादा है जी। क्योंकि मीडिया में काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया गया था कि महिलाओं को लेकर टिप्पणी की गई थी कि यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा गया था मीडिया ने, तो इन सब चीज़ों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब झूठ है जी। ऐसा कुछ नहीं जी। जो गुरुजी पर आरोप लगाए गए थे गलत है, बिल्कुल गलत है जी। ऐसा कुछ भी नहीं जी। जो पहले सात संगत के साथ में जो सत्संग करते थे गुरुजी, और जो इन 30 दिनों में बरनावा में यूपी में आए थे और इन 30 दिनों में उन्होंने जो सत्संग किए, उनमें आपको कितना कुछ अंतर नज़र आया? बहुत खुशी मिली थी। पाँच साल की जो खुशियाँ थी वो एक महीने में सारी थी जी। और ऐसी कोई सब गलत बातें झूठ है, कुछ ऐसा नहीं जी। जी, हमारे गुरु तो बहुत ही अच्छी है जी। उन्होंने समाज के भले के लिए ऐसे कौन से कार्य किए हैं जो आपको लगता है कि हाँ मुझे समाज के सामने रखना चाहिए? नहीं, समाज को तो अच्छा ही करते हैं जी। जी, और तो ये तो झूठ बोलती हैं दुनियादारी। नहीं, उन्होंने मानवता भलाई कार्य कौन से किए हैं? भलाई कार्य 142 हैं जी। बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप कुछ एक बताइए जो आपको लगता है कि हाँ मुझे बताना चाहिए समाज के लिए। समाज के लिए बूढ़ हत्या है, पौधारोपण है जी, और गरीबों को बच्चों को पढ़ाने के लिए है, बहुत कुछ। आप कह रहे कि जो गरीब बच्चे होते हैं, जो गर्भवती महिला को भी लिए उन्होंने बताया पिताजी ने हमारे जी, कि उनको भी संजोग दियो और उनका भी देखभाल भी करो, उनके पैसे से हर एक चीज़ से गर्भवती बच्चा हो गए उसके भी, और जो गर्भ में है। आपका अपना क्या विचार है गुरुजी को लेकर? गुरुजी के लिए हमारे पिताजी जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आए जी। आप अपना मतलब इन विचारों को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? अपील करेंगे हमारे गुरु को छोड़ दें, और जैसे हमारे पिताजी पहले रहते थे ऐसे ही रहे जी। आपने सुना महिला ने आज भी यही कहा कि हमारे गुरुजी बिल्कुल ही साफ हैं, और उन्होंने जो भी कार्य किए हैं वो समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए कार्य किया है उन्होंने। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।